तो भाई यू है सूरज कुंड और भाई हमें तो आनंद से आ गए बहुत जोर की जो यहाँ पे लोगों ने जो है ना अपने अवार्ड तो बोर्ड ऐसा है कि ये काफ़ी लोगों की हेल्प करता है पूरे ऑल ओवर इंडिया से जितने भी जो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट के लोग आए हुए हैं सभी का यहाँ पे जो है नाबार्ड ने जो है फाइनेंस किया हुआ है। और ये चीनी मिट्टी वाले भी भाई साहब बैठे हैं बर्तनों वाले वेरी नाइस। ये क्या चीनी मिट्टी क्या भैया है सेरामिक बोलते हैं इसका। आप कहाँ से हो फिरोजा? खुर्जा जिला बिलंद से। खुर्जा अच्छा नहीं बनते हैं ज़्यादा सारा काम। ये भी खुर्जा से हैं। आओ हैंडीक्राफ्ट का तो यहाँ पे सभी लोग सारे हिंदुस्तान से सब आए हुए हैं कहाँ कहाँ तक इनका बखान करें। हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट बहुत वर्षों से बहुत सालों से है और इसको ये जो शिल्पकार हैं इन्होंने जो हमारी जो विरासत है उसको ज़िंदा रखा हुआ है। और जो ये हरियाणा में सूरज कुंड में हर साल जो ये मेला लगता है इससे और ज़्यादा जो लोगों को ऊर्जा मिलती है और देश विदेश से लोगों को यहाँ पे अपनी जो है कोलकाता से आए हुए हैं रुद्र कुमार आर्ट्स रुद्र आर्ट्स कोलकाता तो हैंडीक्राफ्ट तो भरा ही पड़ा है यहाँ पर क्योंकि मेला ही जो है क्राफ्ट का है ये सारा। और अवेश कारपेट तो भाई ये चीज दिखा रहा हूँ मैं सबसे बहुत ही शानदार ये गांवों में पहले जो पक्षी होते थे वो पक्षी अपना घोंसला इस तरह बनाते थे पर अब काफ़ी सालों से देखने को नहीं मिलता है तो ये जूट के शायद जो है इस तरीके के जो है ये बर्ड्स के घोंसले यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो भाई जूट मिनिस्ट्री ने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा जूट के जो है इनको क्या बोलते हैं जो है चिड़िया के घोंसले जो लटकाए हुए हैं अच्छा घोंसले बोलते हैं। पहले ये जो है गांवों में आम देखने को मिलते थे पर आजकल इनकी कमी हो गई है ना। तो भाई आप यहाँ पे आते हो मेले में तो आप एक बार यहाँ पे जरूर आप जो है विजिट करें। 813 नंबर है ये हट नंबर 813 है ये थोड़ी पहाड़ी सी है उसके ऊपर है और ये पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें इन्होंने बना रखी हैं इससे जो हमारे पर्यावरण को जो है नुकसान से बचाया जा सकता है और जो पक्षी हैं उनकी जो लाइफ को भी सेट किया जा सकता है। ये देखो ये भी हैंडीक्राफ्ट है मतलब मिट्टी का सब बना हुआ है। तो भाई क्राफ्ट मेला तो बहुत जानदार और शानदार ही है। तो 50 की है अब बालक ने गुंडागर्दी से कहा रोका भैया इसमें कुंड मेलो आई हुआ ऐसा कुछ कुछ दिख रहा है और जो कोई आना चाहते हैं मेले में आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर बहुत ही शानदार बहुत ही मस्त यहाँ पे मेला है ये। भाई ये है हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यहाँ पे सभी चीज का जो समाधान होता है। अच्छा क्या है ये मतलब हरियाणा स्टेट की तरफ से सर ये हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी अच्छा गवर्नमेंट संस्था है। अच्छा चीफ पैट्रॉन हमारे चीफ जस्टिस पंजाब नेशनल नाम है सर रविंदर गुप्ता। रविंदर गुप्ता जी तो यहाँ से आरटीआई कैसे लगाते हैं या क्या क्या चीजें कैसे करते हैं? बुकलेट दे रहे हैं हम आपको अच्छा, कानून अच्छा। से संबंधित ये तो इंग्लिश दोनों के अंदर है अच्छा अच्छा जिससे आम आदमी भाषा के अंदर है कानूनी भाषा में नहीं है जी आम आदमी समझ सके अपनी कार्रवाई कर सके। बहुत बढ़िया जी बहुत सुंदर ये कार्य किया जा रहा है गुप्ता जी। क्या शुभ नाम है मैडम? सर मैं अर्चना गोयल पैनल एडवोकेट डीएलएसए हूं। अच्छा जी तो आप बताइए क्या कहना चाह रही हैं आप? सर हम यहाँ से हम अपनी दिव्याना विनविन जो हमारी डिफरेंट स्कीम्स हैं डीएलएसए की उसके बारे में अवेयर कर रहे हैं और अभी हमारी 11 तारीख को नेशनल लोक अदालत होने वाली है उसके बारे में पैम्फलेट के जरिए हम उनको अवेयर कर रहे हैं जी। थैंक यू वेरी मच। और किसी को लीगल हेल्प की जरूरत हो तो यू कैन प्रोवाइड आप लोगों से कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी ने कॉन्टेक्ट करना हमारे ये सभी डिस्ट्रिक्ट के कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं सभी जिलों के।
साइड भी है जी। थैंक यू मैडम।